उत्तराखंड के पवित्र जिले हरिद्वार में पौराणिक काल के कई प्रसिद्ध और चमत्कारिक स्थान हैं। यहाँ पर माता के तीन चमत्कारिक स्थान हैं। पहला माया देवी शक्तिपीठ, दूसरा चंडी देवी, तीसरा मनसा देवी मंदिर है। मनसा देवी एक प्रसिद्ध मंदिर है जो कि हरिद्वार से 3 किलोमीटर दूर शिवालिक पर्वत श्रृंखला में बिलवा पहाड़ पर स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ पर माता सती का मन गिरा था, इसलिए यह स्थान मनसा देवी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस मंदिर में माँ की 2 मूर्तियाँ स्थापित है। इनमें से एक मूर्ति की 5 भुजाएं और 1 मुख है और दूसरी मूर्ति की 8 भुजाएं हैं। इस जगह को माँ दुर्गा के 52 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। देवी मनसा को नागवासियों, वनवासियों और आदिवासियों की देवी भी कहा जाता है। मंदिर तक पहुँचने के लिए पैदल मार्ग और रोपवे की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। जैसा कि माँ का नाम मनसा है, यानी मन की कामना, ममता की मूर्ति माँ मनसा अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करती है। पूरे साल भर यहाँ भीड़ लगी रहती है, परंतु नवरात्र के महीने पे यहाँ पे सबसे ज्यादा भीड़ लगती है और भक्तों की सच्चे मन से मांगी हुई मुरादें भी पूरी होती है। जय माँ मनसा देवी। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यमकेश्वर ब्लॉग्स में। मेरा नाम शिवकेती है। वो भी नई दिन की शुरुआत मेरे साथ होगी देवभूमि उत्तराखंड के इस पवित्र से शहर हरिद्वार से। तो दोस्तों अभी हरिद्वार में है और ये देख सकते हैं अभी हमें हर की पौड़ी, तो ये पार्किंग में है। बहुत मुश्किल से पार्किंग मिली है और अब जा करके यार इतनी भीड़ हो रही है ना पार्किंग में, बहुत ज़्यादा भीड़, मतलब क्या ही बताऊँ। और अभी आवाज़ भी ढंग से नहीं आ रही होगी। तो हम जा रहे हैं अभी हम हर की पौड़ी साइड है, लेकिन हम जा रहे हैं मनसा देवी और चंडी देवी, तो वहाँ पे है मनसा देवी। अभी वहाँ चलते हैं, पहले हर की पौड़ी देखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी हम है हर की पौड़ी पे और ये यहाँ का पवित्र नहाने का स्थल है जहाँ पे लोग आकर के नहाते हैं। बहुत पवित्र है ये। और आपको एक चीज़ मैं बताऊँ, अगर आपने महापगढ़ वाला व्लॉग देखा होगा तो उन पहाड़ों की साइड ना यहाँ दिख तो नहीं रही है, उधर से सुबह की किरणें पड़ती है सर पे। और जैसे मैंने आपको अपने पुराने व्लॉग में बताया महापगढ़ वाले, तो उसमें ज़रूर देखना, उस जो महापगढ़ मंदिर है जो वहाँ की सुबह त्रिशूल जो होती है उनकी परछाई यहाँ पड़ती है। ये है हर की पौड़ी जो मैंने आपको बताया था। और हर की पौड़ी में देखो क्या भीड़ पड़ रही है, भयंकर। ये देखो तो अभी हमें हर की पौड़ी पे और वहाँ जाने के लिए पहले हम हाथ पैर धो के, मंदिर जाने के लिए हाथ पैर धो के जाएंगे अच्छे से। हर हर गंगे। जय गंगैया। खतरनाक भीड़ है भाई, भीड़ देखो हर की पौड़ी में क्या भयंकर लग रही है। ये देखो तो दोस्तों देखो क्या भीड़ हो रही है, भयंकर वाली। हम तो बड़ी मुश्किल से मनसा देवी पहुंच रहे हैं, पता नहीं नंबर वहां आता है कि नहीं आता है। बाकी देखो बहुत भयंकर भीड़ है, बहुत ज़्यादा। और यहां से देखिए उड़न खटोला रोपवे का रास्ता और कितनी भयंकर ट्रैफिक लग रहा है। तो बीच बीच में अगर आपको थक लगे तो पानी, नारियल वगैरह सब कुछ मिलने के लिए है। और यहाँ से व्यू देखिए भी आप थोड़ा बहुत। और उधर पे है हमारी चंडी माई का मंदिर, अभी वहाँ भी जाना है। लेने का फायदा अब आए नहीं जा रहा उनसे। तो प्रसाद जो हमने नीचे से ले लिया था और वहाँ पे बहुत सारी जगह है प्रसाद लेने की। बाकी अभी थोड़ा सा ऊपर पे है और यहाँ से मंदिर दिख रहा था, आगे से भी दिखा दो आपको मंदिर। तो शॉर्टकट लेके आ गया और थोड़ी बहुत थक लग रही है, मतलब रास्ता जो है वो ठीक ठाक है, तो वो ज़्यादा भी इतना नहीं है। मंदिर यहीं पर आप ऊपर जा करके ये देखिए मंदिर ये रहा। और मम्मी दीदी जीजू ये सब आ रहे हैं, तो वो ज़्यादा भी यहीं ठीक ठाक है, आ सकते हैं जाने के लिए, मतलब थोड़ा थोड़ा रुक रुक के जाएंगे, पानी है रास्ते में पीने के लिए। बाकी ये लोग भी आ ही रहे हैं, ऊपर जा चुके हैं बिल्कुल ही ऊपर, और पता नहीं कहाँ पे वो दिख भी नहीं रहे। जीजू को ढूंढ के आते पहले। बस अब हम पहुँच चुके अपनी मंजिल पे। लंबी लाइन देखो कितनी भयंकर है। जय माता दी। Thank you.
तो जो दर्शन है वो बहुत जल्दी हुए, मतलब दर्शन जो बहुत ज़्यादा जल्दी हुए, और यहाँ पे लेने के लिए चीज़ें हैं, प्रसाद वगैरह यहाँ से ले सकते हैं। हमारे तो दर्शन हो चुके हैं, अब हम जाने वाले मनसा देवी, और इतनी 5 मिनट के अंदर दर्शन हुए भाई, भयंकर, और लाइन इतनी भयंकर लगी थी, बट क्या ही करे यार। और अब अगली डेस्टिनेशन होने वाली है वहाँ पे, तो बस अगला ब्लॉग अब वहीं का बनने वाला है, और हम जाने वाले हैं नीचे की तरफ। ये देखिए यहाँ से व्यू कितना बढ़िया लग रहा है, माँ आपकी मनोकामना पूर्ण करे। तो अब हमारे दर्शन हो चुके हैं, अब हम चलते हैं यहाँ से लेफ्ट लेके अपनी गाड़ी की तरफ, और यहाँ पे शीशा मिला है हमें दुकान पे, देखो क्या मस्त मस्त चीज़ें मिल रही है, लाइट फ्लिकर कर रही है। तो दोस्तों व्लॉग को एंड करने की बारी आ चुकी है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो के द्वारा आपको मंदिर के दर्शन और जानकारी मिली होगी। अगला व्लॉग माता चंडी देवी का होने वाला है, तो व्लॉग जरूर देखना। तो व्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं, अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ताकि मैं ऐसी वीडियो बनाते रहूँ। चलते हैं मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।